गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो ए छोरी, कट जा रही है। मत बांधो तुम मुझे, मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस जमीन से आसमां को मैं अब छूना चाहती हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं अब उड़ना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ अब रेलवे दूर नहीं, और आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड। देखिए दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में आता है। हमें ज्योमेट्री के नाम पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ लेगा एग्जामिनर, क्योंकि ज्योमेट्री सब पढ़ के जाते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ही ज्योमेट्री बनी है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं से ही सारे क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं आपके सामने। क्लियर है? तो सब लोग जुड़ जाएं और सब कहें यस सर, थम्स अप कर दें, सब ओके है। और आपके सामने रिवीजन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, आपको सबका आंसर देना है। उससे पहले सब थम्स अप करेंगे, यस सर ओके है, हम रेडी हैं। जी हाँ बिल्कुल, जल्दी से। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। हाँ ठीक है, ओके डन, बहुत बढ़िया। जी हाँ सब लोग जुड़ जाएं। देखिए जिन लोगों को दिक्कत होती है समझने में, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ, हमेशा आपके सपोर्ट में। आपकी जो रिवीजन की क्लासेस हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगा, सारी चीज़ें हम करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस हम करेंगे। तो जल्दी से सब थम्स अप कर दें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइज, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके देखिए, अब ये क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे हैं, आपको रिफ्लेक्शन निकालना है पॉइंट का, बिंदु का रिफ्लेक्शन निकालना है। कल भी मैंने बताए थे आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, जल्दी से निकालिए। अगर 6 और -5 हो और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको रिफ्लेक्शन निकालना हो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहले फर्स्ट वाले का आंसर दें सब लोग। मैं जो लोग नए हैं ना, उनको भी हैबिट में ला रहा हूं इन चीजों को। रिविजन का फायदा यह होता है कि हमें पता रहे कल हमने क्या पढ़ा और आज हम नया क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्विकली आंसर दें सब लोग, क्विकली। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही है जो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। इसका आंसर क्या होगा? जब भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट की बात की जाए तो दोनों कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आमने सामने है, ओरिजिन है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है मिरर इमेज, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो 6 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जल्दी से रिव्यू करें। आपका एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। पहली बात तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा, और इसका रिफ्लेक्शन तो आप तुरंत बता सकते हैं, माइनस का 6 और प्लस का 5। क्या होगा? माइनस का 6 और प्लस का 5। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं लगातार, बहुत बढ़िया। और इस वाले का अगर मैं निकालूं, जो कि हमें एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, कैसे निकालेंगे? जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जिस एक्सिस के सापेक्ष में हमें प्रतिबिंब निकालना है, उसमें एक्स को तो समान रख दो और वाई का जो साइन है वो उल्टा कर दो, तो 3 और -4 हो जाएगा। एक्स को समान रख दो और वाई का साइन है वो उल्टा कर दो, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जी बिल्कुल। अब आपके सामने ये आ गया, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वाई को तो होल्ड रख दो, तो वाई तो होल्ड हो जाएगा, और एक्स का साइन चेंज कर दो, तो यहां पर हो जाएगा +5 और -7। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, देखिए सबके आंसर आ रहे हैं, समझ में आ गया ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी तो रिफ्लेक्शन बचा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं रिफ्लेक्शन के। पिछले बार एसएससी
रेलवे सब में रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है और दो दो नहीं तीन तीन क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ओरिजिन के सापेक्ष में निकालना है तो कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, तो प्लस का 2 और माइनस का 5 आपका इसका आंसर आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 5 ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमें निकालना था। क्लियर है गाइज? सब थम्स अप कर दें। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं। कम से कम आपको पता है, याद है, ये सबसे खुशी की बात है, क्योंकि अब जो हम चीजें आगे पढ़ने वाले हैं वो इससे ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं सर, ऐसा देखते हैं। चलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है ना। अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं कि आपको एक पॉइंट दे दिया मैंने, एक पॉइंट है आपके सामने -3 और 2। ठीक है, -3 और 2 का आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? x=1 के रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तब इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अभी कोई दिमाग ना चलाए, पहले चीजें समझ लो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं और ये क्या क्वेश्चन करवाना चाहता है। देखो, x=1 क्या होता है सर? हमें नहीं पता, एक लाइन है, लाइन है एक, ये नहीं पता ना। देखो कैसे बनती है, मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना दिए भैया, मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना दिए जिसमें ये मेरा 0 होता है मूल बिंदु, ये आपको पता है y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। ठीक है, पता है ना ये? अब मेरी बात सुनना, आपको x=1 के सापेक्ष में इस बिंदु का प्रतिबिंब निकालना है। तो ये बिंदु कहां पे होगा, ये पॉइंट कहां पे होगा? ये पॉइंट होगा -3 और +2, तो करीबन ये पॉइंट यहां पे होगा आपका -3 और +2, क्योंकि y 2 का प्लस है और यहां पे पॉइंट हो जाएगा -3 और 2। यहां तक क्लियर है? तो इस पॉइंट का मेरे को प्रतिबिंब बनाना है x=1 के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये कहता हूं कि x=1 कब है, x 1 कब होगा? जब ही भी कोई बिंदु x=1 कब होगा, जब यहां पर होगा, है ना, है ना, सही बात है। यहां पे x की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, जब भी आपका x=1 होगा तो हमेशा x=1 है ना। अब यहां पे y दे रखा है कुछ आपको, नहीं दे रखा ना, तो मैं ये कह दूं कि जो ये लाइन है x=1 वो यहां से गुजर रही है, वो यहां से गुजर रही है। इसका मतलब y के प्रत्येक मान पे, मैं बोलूं कि y=2 पे x का मान कितना है, जल्दी से बताओ, y=2 पे भी x का मान 1 है, जब भी तो ये x=1 है, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है y से, y के हर वैल्यू पे x का मान 1 ही आने वाला है। क्लियर है? y की हर वैल्यू पे x का मान 1 ही आने वाला है। तो मेरे पास इस बिंदु का रिफ्लेक्शन इस x=1 के रेस्पेक्ट में निकालना है, इस बिंदु का प्रतिबिंब इस वाले के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ये मेरा 1 है यहां पे, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है ये आपका क्या है, कांच है, ये क्या है, एक मिरर है, मिरर है एक। तो मिरर से ये बिंदु कितनी दूरी पर हो गया, ये आपका मिरर है, आपको पता है ये जो 2 है, ये जो y एक्सिस है आपका, ये तो इसकी तो ऊंचाई वही रहेगी, जो भी आपका बनेगा इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, y एक्सिस तो आपका होल्ड रहेगा, ठीक है। और आपका जो x है वो x क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 1 और 3 4, तो यहां पे 1 के बाद अगर 4 जोड़ोगे तो 5 और 2 आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 2। क्लियर है कैसे आया, क्लियर है कैसे आया, क्लियर हुआ कैसे आया, जल्दी से बताएं, कहीं कोई दिक्कत है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको -3 और 2 का रिफ्लेक्शन निकालना था x=1 के रेस्पेक्ट में, है ना। x=1 कैसे पता लगेगा, आपका x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि ये y अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी जिसमें y के हर मान पे x का मान 1 है। क्लियर है यहां तक? तो आपको ऐसे लाइन खींचनी है। अब ये लाइन, पहले तो हम एक्सिस को मान रहे थे कांच, अब हमारा कांच कौन है, हमें इसके सापेक्ष में निकालना है। तो जैसे ही मैंने देखा यहां से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष वाला, -1 तो यहां चला और -3 यहां चला, भाई 0 से -3 3 यहां चल गया, 1 यहां चल गया, तो मतलब 4 कदम की दूरी पर है, 4 कदम की दूरी पर है। इसी तरीके से यहां से आपका 4 कदम कितना हो जाएगा,
एक से लेके पांचवा पॉइंट, एक एक में अगर चार जोड़ोगे तो पांचवा हिस्सा, तो पांचवा पॉइंट x पे, और दो तो ऊंचाई तो बराबर है ना हमेशा, इसकी ऊंचाई दो है, ऊंचाई दो है तो हमेशा दो ही रहेगी ऊंचाई, तो ऊंचाई पे तो बराबर रहेगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, सब थम्स अप करें। पांच ऐसे आया भाई आपको यहां पे, इससे आप कोई कांच के आगे खड़े हैं, कांच से हमेशा प्रतिबिंब में ना बराबर दूरी पर बनता है, मैं यहां से चार कदम दूरी पर खड़ा हूं ना, चार कदम ही तो है, इस वाली लाइन से रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इस वाली लाइन से इधर चलूंगा तो एक कदम और तीन कदम और चलने पड़ेंगे, क्योंकि यहां तो जीरो पहुंचा मैं, जीरो से तीन कदम और चला, तो कुल मिला के मुझे चार कदम चलने पड़े, चार पॉइंट चलने पड़े, चार इंटरवल चलने पड़े, और अब मैं यहां पे आ गया दोबारा से, मुझे इतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाना है, तो एक पे खड़ा होके मुझे चार कदम ही तो चलना पड़ेगा, तो दो तीन चार पांचवे पे पहुंचूंगा, तो पांच और दो ऊंचाई तो समान रहेगी, वाई एक्सिस समान रहेगा, क्लियर है, ऑल क्लियर। हाँ अब कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आया ना वो अभी भी समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस रखो, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, माइनस तीन और माइनस पांच का रिफ्लेक्शन निकालना है आपको x बराबर एक के रेस्पेक्ट, x बराबर दो के रेस्पेक्ट में, x बराबर दो के रेस्पेक्ट में निकालना है, वही तरीके से करिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए बस मुझे, तो क्विकली आंसर दें, सब लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, पॉइंट बताने हैं भाई, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, पहले आपको करना है, ये कहाँ है माइनस तीन माइनस पांच, तो ये यहां होंगे जहां पे दोनों नेगेटिव होते हैं, तो x माइनस तीन है, तो x तो माइनस तीन है भाई, और y कितना है, माइनस का पांच है, माइनस का पांच है, तो मैं ये कह दूं कि मेरा जो ये पॉइंट होगा वो यहां पे कहीं ना होगा, यहां पे कहीं होगा, ठीक है। अब बात क्या कही गई है, इस पॉइंट का जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस तीन और माइनस पांच, भाई x माइनस तीन y माइनस पांच है, मुझे क्या करना है, इसका प्रतिबिंब निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, x बराबर दो के रेस्पेक्ट में, तो दो कहां होगा मेरा, यहां पे होगा कहीं, यहां पे x बराबर दो है, ठीक है, तो इसकी लाइन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कि y के हर मान के लिए आपकी x की वैल्यू दो हो जाएगी। अब ये आपका कांच है, ये आपका क्या है, कांच है, इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, दो तो मैं इधर चला आने के लिए, भाई ये जीरो है, ये जीरो है ना, दो मुझे इधर चलना पड़ा और पांच और पांच सॉरी दो मुझे इधर चलना पड़ा और तीन मुझे और चलना पड़ा, तो मुझे पांच चलना पड़ा। अब मैं दो से पांच इधर चलूंगा तो मेरा x तो हमारा हो जाएगा सात, x तो मेरा हो जाएगा सात, और जो हाइट है y कोऑर्डिनेट आपका रहेगा होल्ड हमेशा, तो y कितना है माइनस पांच, तो आपका आंसर आ जाएगा सात और माइनस पांच, क्लियर है, सात और माइनस पांच, समझ में आया, समझ में आया भाइयों, बताते रहे कि यस सर समझ में आ गया है, ठीक है, तो जल्दी से बताएं कि क्लियर हुआ हमने कैसे करना है, तो आपको समझ में आ गया, कभी भी एक्स की टर्म में इक्वेशन आए ना तो वाई को होल्ड रखना है, इक्वेशन आए तो, अगर एक्सिस आए अक्ष आए तो जो एक्सिस आता है उसको होल्ड रखना है, क्लियर है यहां तक। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, आप लोग सब तैयार हैं तो मुझे बताएं, तैयार हैं सब मुझे बताएं कि यस सर क्लियर है, तो दोनों में अंतर समझ लेना, कल वाली चीज और इस चीज में जमीन आसमान का फर्क है, बस समझने समझने वाली बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप खुद देंगे आंसर, मुझे पक्का भरोसा है कि वाई इज इक्वल्स टू टू के रेस्पेक्ट में, वाई आ गया यहां पे है ना, आपका पॉइंट है ए, चार और माइनस पांच का रिफ्लेक्शन निकालना है, रिफ्लेक्शन पॉइंट, चलिए जल्दी से निकालें फिर हम आगे बढ़ेंगे, वाई इज इक्वल्स टू टू के रेस्पेक्ट में, नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाने के लिए तो हूं यहां पे है ना, सब चीजें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन को आंसर दें, y इज इक्वल टू टू के रेस्पेक्ट में, अच्छा लग रहा है तो उम्मीद करता हूं लाइक करते रहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिए सब लोग अच्छे से पढ़ते रहे, बस सर क्वेश्चन करवाएं, क्वेश्चन ही करवा रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन ही करवा रहे हैं ना। चलिए क्या बोला है, वही एक्सिस बनाइए आप, वही एक्सिस बना दिया आपने, ठीक है, यहां पे आपका क्या है ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, चार और माइनस पांच कहां होगा, एक्स प्लस है वाई माइनस है, तो एक्स प्लस होगा वाई माइनस होगा, तो मैं ये कहता हूं कि एक्स का जो चार है वो यहां पे हो जाएगा आपका, और वाई का माइनस पांच यहां हो जाएगा, तो ये पॉइंट कहां जाएगा, ये करीबन ये पॉइंट आपका यहां पे आ गया, क्या है चार और माइनस का पांच,
इसका आपको मिरर इमेज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वाई इज इक्वल टू दो। यहां पे वाई दो कहां पे है, वाई दो यहां पे है ना, तो आपको लाइन ऐसे खींचनी है बस। अब आपका कांच कौन हो गया, अब आप इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू दो के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, है ना। अब क्या बात हो जाती है, जब वाई इज इक्वल टू दो के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसी लाइन के यहां पे आपका प्रतिबिंब बनेगा ऊपर की तरफ, यहां पे ऊपर की तरफ बनेगा, जिसमें आपका x तो कॉमन ही रहने वाला है ना। तो आप यह कह सकते हैं कि यहां पे जहां पे भी मेरा प्रतिबिंब बनेगा वहां पे मेरा x तो 4 रहेगा, y चेंज हो जाएगा, y माइनस का 5 है, माइनस का 5 है ना y, तो मैं ये कहता हूं ये कांच है आपका, तो माइनस के 5 से 5 इधर चला, 2 इधर चला, 7, तो यहां पे आके 7, तो 7 और जोड़ दो इसमें, तो 4 और 9 आपके आंसर आ जाएंगे, 4 और 9 क्या आंसर आ जाएगा, 4 और 9, क्लियर है, ठीक है। देखो यहां पे जब y आया ना तो x तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहा, अब आपको क्या करना है, 5 कदम इधर चलना है, 2 कदम इधर चलना है, तो मतलब कांच तक से, कांच से आपकी दूरी पॉइंट की कितनी है, कुल मिला के 7 कदम है, 7 स्टेप है, 7 इंटरवल है, कुछ भी मानो लेकिन आपको 7 चलना है, तो इसके बाद 7 सातवां पॉइंट कौन सा होगा, 2 पे तो आप खड़े हो, 2 पे तो आपका कांच है, 7 और जोड़ दो तो 9 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ सर, अब टॉपिक, दो टॉपिक बाकी हैं, बस दो टॉपिक बाकी हैं, ज्योमेट्री चल रहा है, नंबर सिस्टम और कराना है बस, बहुत सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, ठीक है गाइस, क्लियर है। अब मैं आपके अगले चीजों पे चल रहा हूं, चलते हैं अगली चीजों पे, क्लियर, तैयार हैं सब लोग तो मुझे बताएं, यस सर हम तैयार हैं अगली चीजों पे जाने के लिए, और मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे, ये वादा करें बस, है ना, बहुत मजा आने वाला है आगे। हाँ बहुत छूट गया सुरेंद्र दास, मुझे पता है जिनका छूट गया, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि सबको लेके आएं, और जब मैं आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको लाइन पे, अगला जो आपका टॉपिक है वो है लाइन, रेखा। अब हम रेखा के बारे में जानेंगे, रेखा क्या होती है, कैसे बनती है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी दो पॉइंट हैं आपके सामने, दो पॉइंट क्या हैं, ए है आपका एक्स वन वाई वन, बी है आपका एक्स टू वाई टू, ठीक है। इन दोनों रेखा, इन दोनों पॉइंटों से कोई एक लाइन गुजर रही है, तो मैं ये कह देता हूं कि किसी भी रेखा पर ये दो पॉइंट स्थित हैं, ए पॉइंट है आपका एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट है आपका एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब ये इनसे गुजर रही है तो मतलब रेखा में इन दोनों पॉइंट सेटिस्फाई है, मतलब इस उस रेखा को ये संतुष्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है ना, कर रहे हैं ना। तो किसी भी रेखा का समीकरण जब आपके सामने दो पॉइंट दिए गए हो तो उस रेखा की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जल्दी से नोट कर लेना, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, y1 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहां पे आपका x1 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्लियर है यहां तक, ये आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी इक्वेशन होती है जब आपके सामने कोऑर्डिनेट होते हैं, दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तब। अब बात पता है क्या टेंशन वाली बात है, हाँ अब बात टेंशन की ये है कि ये सर m क्या होता है, ये m क्या होता है, तो आप में से किसी को पता होगा m क्या होता है, तो बिल्कुल सही सोचा है आपने, m आपका होता है स्लोप, जिसको हम कहते हैं प्रवणता, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रवणता, ये कहते हैं किसी भी लाइन का स्लोप उसकी हकीकत बताता है कि लाइन किस तरफ चलेगी। मतलब अगर आपका स्लोप अगर नेगेटिव है तो आपकी लाइन ऐसे होगी, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे होगी, ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है, चलिएगा। तो आपको ये समझ में आता होगा कि ये स्लोप होता है, ये क्या होता है, स्लोप होता है। और m बराबर क्या होता है, जब अगर किसी लाइन का आपको स्लोप निकालना हो और आपके पास दो पॉइंट गिवन हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है भाइयों, ये बताते रहें कि यस सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक स्लोप समझ में आ गया कि स्लोप कैसे निकाला जाता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये कंडीशन ध्यान से सुनो, टेन थीटा कहां से आ जाएगा, जब थीटा की बात नहीं की जाए ना तो हमें थीटा घुसाना नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती थीटा वाला कंडीशन मैं अलग बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा, लेकिन पेशेंस रखोगे तब। पहले ये पहला टाइप पढ़ो, लाइन किस किस तरीके की आ सकती है आपके सामने। अगर आपके सामने दो पॉइंट आ जाए, मेरा पहला पॉइंट ये है,
पहले तरीके से लाइन कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके सामने दो पॉइंट आ जाएं तो दो पॉइंट से किसी भी लाइन की समीकरण निकालने का फॉर्मूला यह है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और इसमें एम क्या है, आपका स्लोप है, और स्लोप का फॉर्मूला यह है। क्लियर है यहां तक? डन। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, एक जल्दी से मुझे आंसर देना, फिर अगली लाइन पे चलेंगे कि अगली लाइन को कैसे करना है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दो और पांच ए पॉइंट है और बी पॉइंट है चार और छह, ठीक है? इनसे गुजरने वाली किसी भी रेखा का समीकरण निकाल दीजिए जल्दी से। ए और बी दो पॉइंट हैं, इनसे कोई लाइन गुजर रही है, पास कर रही है, पासेस थ्रू दीस पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। आपको इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन, जल्दी से आंसर दे दें बस, क्योंकि ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है कि असली में लाइन होती कैसे है। चलिएगा, हाँ पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी है, और बोलते हैं तो एनर्जी तो होती है, ठीक है ना? चलिए जी, बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो हमें इसका स्लोप निकाल लेते हैं जिससे कि हम सीधा इक्वेशन लगा सके। तो मैं कहता हूं इसका m कितना हो जाएगा, इसका m हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 वन अपॉन x2 माइनस एक वन x1 टू, ठीक है? तो y2 माइनस वन और x2 माइनस x1 वन बाई टू, इसका स्लोप हो गया, स्लोप हो गया, क्लियर है? अब आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 कितना है पांच और m कितना है एक बटे दो और x माइनस एक्स वन आपका क्या है x माइनस एक्स वन, तो x मेरा पास x आ जाएगा, x वन मेरे पास दो आ जाएगा, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 2y माइनस दस बराबर x माइनस दो, और यहां से मैंने देखा 2y माइनस एक्स प्लस माइनस आठ, 2y माइनस एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। यहां तक क्लियर है सबको? 2y माइनस एक्स माइनस आठ बराबर जीरो, ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई, मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई, समझ में आ गई सबको? हाँ, तो मैं देख रहा हूं कि किसी स्टूडेंट ने इधर लेके निकाली है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ये आने वाली है, ठीक है? देख लो 2y माइनस एक्स और इधर भी ले आया तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, देखो हमने चीजें सीखना सीखना ज्यादा उद्देश्य समझा है ना, समझ में आ गया? हाँ, 2y माइनस एक्स बराबर 8 भी लिख सकते हो, तो यही इक्वेशन है आप सबकी। यहां तक क्लियर है सबको? तो यस, डन कर दें सब लोग। अब देखो नई चीज आपके सामने आ गई, आपको मैं पहले इससे बता सकता था लेकिन नहीं बताया, क्यों? आप खुद सीखोगे, देखना तरीका, देखो वे ऑफ टीचिंग, देखो कि कितना शानदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है? अब मेरे सामने ये इक्वेशन आई, क्या आई, 2y माइनस एक्स माइनस आठ बराबर जीरो, ठीक है? अब ये किसी रेखा की इक्वेशन है, किसी भी लाइन की इक्वेशन है ना? अब इसको मैं किस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पता है? इसको मैं कर सकता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास कोई लाइन होती है, ये मेरे पास क्या होती है, लाइन होती है। आप सबको पता है ना इस बारे में, इस टर्म में हम लिखते हैं लाइन अपनी, इस टर्म में अपनी लाइन लिखते हैं, आपको पता हो तो। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो लाइन की इक्वेशन होती है इस टर्म में लिखी जाती है, क्लियर है? और इस लाइन की जो आपकी प्रवणता होती है, एम होता है, वो कैसे निकलती है पता है? इस लाइन की प्रवणता अगर आपको निकालनी हो डायरेक्ट, तो कैसे निकालेंगे, माइनस एक्स का कॉफिशियंट, माइनस एक्स का कॉफिशियंट अपॉन वाई का कॉफिशियंट, माइनस एक्स का कॉफिशियंट अपॉन वाई का कॉफिशियंट। तो m डायरेक्ट अगर मैं इसका निकालना चाहूं, m अगर ये मेरे पास इक्वेशन दी रखी होती और मुझे इसका स्लोप निकालना होता दोस्तों, तो मैं कैसे निकालता डायरेक्ट, मुझे डायरेक्ट स्लोप निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, तो जल्दी से मुझे बताएं। जी हां, जल्दी से बताएं क्या करना होता, हमें कुछ भी नहीं करना होता और आंसर हमारे सामने आ जाता, ठीक है? बहुत बढ़िया, ओके गाइस, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल बहुत सही है आंसर आया। देखो अब कैसे निकालेंगे, माइनस एक्स, तो पहले से माइनस वन है यहां पे, एक्स का कोफिशियंट, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का एक, तो माइनस माइनस प्लस का एक, और वाई का गुणांक क्या है, दो, तो एम का मान एक बटे दो आ गया, और यही तो हमारा आ रहा था, हम उल्टा चले हैं लेके, एम का मान कितना आ गया, एक बटे दो आ गया। अब कैसे होती है सर, हमने तो हमेशा से पढ़ा है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, आपने तो बताया ही नहीं हमें y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है,
यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। और यहाँ पे जो m होती है वो आपकी क्या होती है, स्लोप होती है। तो दोस्तों फिर से अब चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास अगर ये इक्वेशन है, मेरे पास अगर ये इक्वेशन है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूं इस टर्म में, तो मैं कैसे करूंगा, देखना देखना इसको मैं कैसे चेंज करूंगा। मैंने लिखा 2y माइनस एक्स माइनस 8 बराबर 0, यहां तक ठीक है। मैंने 2y को यहां पे लिख दिया, x इधर ले गया प्लस 8 इधर ले गया, यहां तक भी ठीक है। मैंने y को यहां पे रख दिया क्योंकि मुझे ऐसी फोटो बनानी है ना इसकी, y अकेला रहना चाहिए, तो मैंने 2 को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहां पे कितना हो गया 1y2x plus 4। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछने लगूं, हाँ अगर मैं आपसे अगर पूछने लगूं, मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि इसका स्लोप क्या होगा, अब आप कह दोगे ना कंपेरिजन करा के, एम का मान क्या है 1/2 है, ठीक है, और C का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया दिमाग में, C का मान भी आपने निकाल लिया, क्या आया 4 आ गया, यहां से कंपैरिजन कराने के बाद में। समझ में आ गई सब चीजें? हाँ समझ में आ गई सब चीजें, मुझे बताएं कि यस सर क्लियर है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इक्वेशन कैसी भी आ जाए हमें अपना आंसर पता होना चाहिए, हमें अपना आंसर पता होना चाहिए, क्लियर है? बिल्कुल, जल्दी से मुझे कर दें कि यस, हाँ अब समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताएं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हो चुकी हैं। हाँ एग्जाम में ऐसे पूछेगा अमरदीप गुप्ता, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, आपको इक्वेशन दे देगा स्लोप पूछ लेगा, स्लोप दे देगा इक्वेशन पूछ लेगा, 2 पॉइंट दे देगा इक्वेशन निकलवा लेगा, क्लियर है? अब नहीं आया दोबारा से करते हैं। एक चीज और बताने वाला हूं जो कि बहुत जरूरी है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए है ना, तो आपने स्लोप के 2 फॉर्मूले सीखे, एक आपने इक्वेशन से निकालना सीखा जिसका कोफिशियंट था माइनस का x अपॉन y, और एक स्लोप आपने 2 पॉइंट्स का सीखा जिसका फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दोनों अलग हैं क्योंकि ये तो हमारे 2 पॉइंट दिए होते हैं तब निकालते हैं। अगर ax प्लस vy प्लस c में अगर इक्वेशन होती है तो हम अगर स्लोप निकालना चाहें तो माइनस x का कोफिशियंट मतलब a और अपॉन y, तो ये हमारे कोफिशियंट से निकल जाता है। यहां तक क्लियर है? दोबारा से रिवीजन करा दिया, अब अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज क्या है ये समझते रहो, अगली चीज को समझते रहो। हाँ अब देखना चीजें समझो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है a प्लस 3 वी प्लस पी, ये पॉइंट है, और a और b रेखा एक्स माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 पर प्लेस्ड है, स्थित है, ठीक है ठीक है। तो आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, करिए करिए दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। देखो कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, वीडियो चल रहा है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोशिश करते रहो। आपके पास 2 पॉइंट दे दिए भाई साहब ने और आपको p का मान पूछा है, जल्दी से निकालो, दिमाग लगाओ कि कैसे निकल सकता है, जल्दी से दिमाग लगाओ। ये 2 पॉइंट हैं और p का मान पूछा है और ये पॉइंट इस पे स्थित है इस रेखा पे, तो क्या करना है, 2 पॉइंट का जो स्लोप होता है वो इसके स्लोप के बराबर कर दो, दोनों पॉइंट का स्लोप इसके स्लोप के बराबर कर दो और जल्दी से आंसर दे दो, ठीक है। हाँ तो कैसे करना है, ये 2 पॉइंट हैं तो स्लोप हम जानते हैं सर, आपने हमें बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, यही तो बताया था। तो ये आपके x1 y1 x2 y2 हो गए, ठीक है, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा आपका m b माइनस y2 माइनस b प्लस p, ठीक है, यहां पे प्लस b प्लस p है तो यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है क्यों किया मैंने, b माइनस b प्लस p था तो ब्रैकेट खोला तो अंदर वाला साइन माइनस का हो जाएगा प्लस का जो है, क्लियर है क्लियर है, यहां तक ये समझ में आ गया होगा। y2 माइनस y1 किया, x2 माइनस x1, a माइनस a प्लस 3 है ना, तो मैं अगर ब्रैकेट को खोलूंगा तो यहां पे हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये आपका m आ गया, m में मैंने चेक किया तो माइनस के b से प्लस का b गया, माइनस के a से प्लस का a चला गया, तो यहां पे माइनस से माइनस चला गया, तो यहां पे मेरा m कितना आ गया p/3, m कितना आ गया मेरे पास p/3। लो सबके आंसर भी आ गए, m का मान p/3 है, तो इस इक्वेशन का स्लोप क्या होता है,
इस इक्वेशन का स्लोप क्या होता है, m बराबर, और वो दोनों पॉइंट स्पेस देते तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे, दोनों के स्लोप बराबर होंगे। तो x का गुणांक कितना है, माइनस में x का गुणांक एक और y का गुणांक माइनस का दो, तो यहां से मैंने ये काट दिया तो बराबर एक बटे दो के कर दूंगा, तो p का मान कितना आ जाएगा, तीन बटे दो आ जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर हुआ भाइयों? अब हंस दो यार सब लोग, ठीक है, मोटिवेशनल क्वेट देने वाला हूँ, टेंशन मत लो, और मोटिवेशनल क्वेट पे चलते हैं। हाँ, तो जल्दी से मोटिवेशनल क्वेट भी आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, तो देखो पहले समझ में आ गई ना चीज़ें, क्लियर हो गया, पानी पी लेते हैं, भूल गए थे, चलिएगा। गर्मी तो लग रही है यार, क्या करें, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ते रहते हैं ना, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, समझ में आ रहा है ना, मुझे बताते रहें, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे किया। हाँ, अब कंडीशन लिख लो भैया, अब कंडीशन मैं बताने वाला हूँ आपको। अब कंडीशन ये है, हाँ, अब कंडीशन ये होती है, देखो क्वेश्चन क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन होती है आपकी, है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है, जो m बराबर पता है क्या होता है, tan थीटा भी होता है। किसी भी, आपने कल सीखा था ना, m बराबर क्या होता है, tan थीटा भी होता है। हाँ, m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो मैं आपको एक इक्वेशन देना चाहूंगा, एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, क्वेश्चन क्या है, उस लाइन की इक्वेशन निकालो, उस रेखा का समीकरण निकालो, उस लाइन का इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्या करती है, जो x एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है 60 डिग्री का एंगल बनाती है, और बिंदु और पॉइंट किससे गुजरती है, सॉरी 45 डिग्री का एंगल बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और पॉइंट 6 और 9 से पास होती है। मैं समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि उस रेखा का समीकरण निकालना है जो x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, और वो किस पॉइंट से गुजरती है, 6 और 9 से पास होती है। तो ऐसी इक्वेशन निकालनी है, तो जल्दी से बता दो इक्वेशन क्या होगी, किसी को पता है तो, ठीक है। हाँ, मैं टाइम टेबल बता सकता हूं, क्यों नहीं बता सकता, टाइम आपको पता है, डेली 11 बजे क्लास होती है, सब लोग आए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए यार, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है बताइए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जी आंसर आ चुका है मेरे पास, कैसे निकालेंगे समझो, मुझे क्या पता था, सर ने मुझे ये इतना बताया था, देखो सर ने मुझे क्या बताया था, कि इक्वेशन होती है यार y बराबर mx प्लस c बताया था सर ने तो, और m का मान अगर थीटा में अगर आ जाए, थीटा में अगर कोई इक्वेशन आ जाए, तो m का मान tan थीटा के बराबर बता दिया। यहां पे tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सर ने तो ये बताया था कि m का मान तो 1 आ गया, क्योंकि m बराबर जो इसका स्लोप है वो tan थीटा के बराबर होता है। अब क्या करूं यार, y बराबर x प्लस c, यार ये तो गलत लग रही है इक्वेशन, ऑप्शन में तो ऐसे कोई आंसर है ही नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, c का मान और निकालना पड़ेगा। तो आपको एक और क्लू दे रखा है, क्या दे रखा है, वो 6 और 9 से गुजरती है, तो x का मान 6 रख दो और y का मान 9 रख दो, तो x का मान 6 रख दो, y का मान 9 रख दो, तो c का मान कितना आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, और आपकी इक्वेशन कितनी बन जाएगी, y बराबर x प्लस 3 आपका वैल्यू आ जाएगा, y बराबर x प्लस 3 आपका वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपके सामने आ गया। जी हाँ, x, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबका क्लियर हो रहा है, मुस्कुराते हुए बता दो यार प्लीज, अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो सब लोग, जो 1900 लोग देख रहे हैं जुड़े रहो, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम में, क्रैक करने में आपके एग्जाम, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इसका एक और क्वेश्चन करना है, जल्दी से बताएं, इसका एक और क्वेश्चन करना है, जल्दी से बता दें, फिर मोटिवेशनल क्वेट की तरफ चलूंगा, मैं स्टैटिक्स भी पढ़ाऊंगा, सांख्यिकी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, सांख्यिकी भी मैं कवर करूंगा, ठीक है ना, तो जल्दी से अब मुस्कुरा दें और मोटिवेशनल क्वेट की तरफ चलते हैं, चलिएगा। मोटिवेशनल क्वेट आपके सामने रख रहा हूं, ये देखिए आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट, आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य ना निर्धारित कर सकें,
या एक नया सपना ना देख सकें। तो सीधी सी बात है, देखिए सीखना हमेशा जारी रहना चाहिए। हम कभी बूढ़े हो सकते हैं क्या सीखने के लिए? नहीं। हमें आजकल मेरे दादाजी के पास फ़ोन आया है नया और उन्होंने टच स्क्रीन लिया है, ठीक है, और उनकी क्यूरियोसिटी देखिए, वो आज भी मतलब वो कहते हैं कि यार इसमें व्हाट्सअप डालना, मुझे मैसेजिंग करनी है। तो मतलब इंसान की उम्र 60 साल के पार 70 साल के करीब हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीखने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। नई टेक्नोलॉजी से गुजर रहे हैं ये छोड़ दें कि भाई नहीं यूज़ करना है, ऐसा नहीं, इंसान बंधता है इन चीज़ों से। जैसे जैसे हमारे सामने कंपटीशन और लक्ष्य आते जाते हैं उनसे हमें लड़ना पड़ता है, तभी तो हम आगे निकलेंगे। नहीं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि देखो ये फ़ोन देखो हमारे साथ देखो ये क्या से, तो मुझसे कहते हैं कि सब अपने अपने दिखाते हैं पोतों की फ़ोटो और मैं नहीं देख पाता, मुझे भी ला के दे, तो मैंने ला के दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, है ना जी। हाँ चलिएगा, अब आपके सामने चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले आप कंडीशंस ले लेते हैं। पहले कंडीशंस क्या होती हैं? अगर आपसे बोला जाए कि लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल मतलब जो रेखाएं हैं वो समांतर हों, दो रेखाएं दे रखी हों, रेखाएं अगर समांतर हों तो आपको क्या कंडीशन लगानी है? M1 बराबर M2, मतलब उस रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखना अभी क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? लाइंस आर परपेंडिकुलर, रेखाएं लंबवत हों, लाइंस आर परपेंडिकुलर। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या होता है? M1 M2 इजिकल्स टू माइनस वन। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स के प्लस वन एक्स प्लस के वाई बराबर 3, ठीक है, 5x माइनस 2y बराबर 7, और ये दोनों लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हूं। जब रेखाएं आपस में लंबवत हों तो क्या करते हैं? M1 M2 बराबर माइनस, परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, तो आपको क्या करना है? K की वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से निकाल के बताओ, आंसर दो, जल्दी से आंसर दो निकाल के। हाँ ये ज्योमेट्री के सिलेबस में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस में है, ठीक है। चलिए जो लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ पे समझने की कोशिश करें, सब समझ में आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट से, कोई लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, ये दो रेखाएं आपको दे रखी हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसका स्लोप निकाल दो, इसका स्लोप निकाल दो, दोनों को गुणा कर दो, माइनस एक के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसका स्लोप क्या हो जाता है, इस वाली रेखा का स्लोप क्या हो जाएगा? वाई एक्स का गुणांक माइनस के माइनस वन अपॉन वाई का गुणांक के, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या करना है? इसका गुणा, इसका इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इस वाली का स्लोप कितना हो जाएगा? एक्स का गुणांक माइनस में, तो के माइनस वन अपॉन के वाई का गुणांक। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक माइनस पांच और माइनस टू, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा एम टू 5/2। यहां से मैंने 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस वन के बराबर होना चाहिए, तो मैं ये कह देता हूं कि इसको मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस से मैंने माइनस काट दिया, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? के प्लस वन के बराबर 2/5, और मैंने यहां पे देखा 2k बराबर 5k+5, और ये मेरा 5 इधर आ जाएगा माइनस 5 3k, और k बराबर हो जाएगा मेरा माइनस 5/3। k बराबर कितना हो गया? माइनस 5/3। क्लियर है, क्लियर है गाइस, समझ में आया कि k की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता को मल्टीप्लाई करके m1 m2 बराबर माइनस 1 की वैल्यू लगा दो और k का मान निकाल लो। क्लियर है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप सही आंसर देंगे, सब लोग सही आंसर दोगे। चलिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान से देखना। सर ये रेलवे में टॉपिक है, हाँ रेलवे में टॉपिक है,
और यही क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे में, आपको पता ही नहीं है अभी तक, है ना, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आपको पता है ना 11 बजे क्लास होती है, तो डेली 11 बजे आओ, आपको सीखना है तो आपको तत्पर है ना, तत्पर रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं, दो लाइंस हैं 6x प्लस 3y बराबर 9 और kx प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, तो लाइंस आर पैरेलल मतलब समांतर हो, ठीक है, लाइन समांतर हो तो क्या करना है आपको, के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालिए फटाफट से, अगर तत्पर मतलब होता तैयार, आपको तैयार रहना चाहिए कि 11 बजे क्लास आएगी, आज पढ़ना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नहीं लेंगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीज़ों को कवर करके चलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, एक पंचुअलिटी से पढ़ोगे ना तभी सफलता मिलती है, आज पढ़े कल नहीं पढ़े, परसों पढ़े फिर नहीं पढ़े, तो फिर नहीं होता ऐसे यार, नहीं होता, सच में नहीं होता, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, मैं जो हकीकत है वही आपको बताना चाहता हूँ कि जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है ना, तब जाके सफलता मिलती है। तो आंसर आ गया सबका, बहुत बढ़िया, क्योंकि जब पैरेलल होते हैं तो m1 बराबर m2 होता है, तो इस वाले की प्रवणता और इस वाले के स्लोप को बराबर कर दो, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस 6/3 बराबर उधर क्या है, माइनस k/5, और मैंने यहाँ से माइनस काट था 3 से 2, तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10, मेरा आंसर आ गया, k का वैल्यू मेरे पास 10 आ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, लाइक करते रहे, उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा, क्लियर है गाइस, जी बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन है, समझ लेना कि पॉइंट आपके सामने गिवन है, एक पॉइंट आपके सामने गिवन है 5 और a, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट आपके सामने गिवन है, और एक दूसरा पॉइंट आपके सामने गिवन है 4 और 3, इनसे कोई लाइन गुजर रही है, ठीक है, इनसे एक लाइन गुजर रही है, लाइन पास हो रही है इन पॉइंट से, ठीक है, इन पॉइंट से लाइन पास हो रही है, और रेखा जो जो लाइन पास हो रही है वो लाइन x-6y = 8 के परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है, तो a का मान निकालो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हाँ समझ में नहीं आ रहा तो बीच में आए होंगे आप दोस्तों, तो गलतियां को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, आंसर सही आएगा, 10 आ गया, बिल्कुल सही है, कोई पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये, इनसे कोई लाइन गुजर रही है, वो लाइन जो पास हो रही है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, जो इनसे लाइन गुजर रही है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ए का मान निकालना है, तो किसी का आंसर आया अभी तक, किसी का आंसर आया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, अगला टॉपिक क्या होगा, ज्योमेट्री होगा अगला टॉपिक, अगले टॉपिक में मत आओ यार, अभी पहले समझो तो सही इस टॉपिक को, आप सोचते हैं ये टॉपिक मैं छोड़ देता हूं, आप ये नहीं सोचते कि कल वाली क्लास भी कवर कर लेता हूं और इस वाली क्लास को भी कवर कर लेता हूं, जो आगे क्लास होगी उसको भी कवर करता हूं, इस टॉपिक को भी स्ट्रांग करता हूं, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर ये सोचोगे ना छोड़ दें तो कुछ नहीं होगा गाइस, गारंटी है, मेहनत और दोनों लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है, तो आंसर आ रहे हैं लेकिन उल्टे सीधे आ रहे हैं, देखो क्या होगा, देखो अब समझने की कोशिश करना, मैं ये कहता हूँ जो इस इक्वेशन की प्रवणता है जो भी आएगी और जो इस इक्वेशन की प्रवणता है वो कितना होगा, वो a का वैल्यू निकालना है, तो मैं कहता हूँ m1 m2 बराबर -1 कर देता हूँ, इतना सा मेरे को काम करना है, तो जब भी दो पॉइंट आपके सामने गिवन हो तो आप प्रवणता कैसे निकालते हैं, तो m1 कैसे निकालोगे, x1 y1 दे रखा है, ये x2 y2 आपके सामने दे, तो y2 - y1 तो 3 - a, x2 - x1 ठीक है, x2 कितना है 4 -5, तो मैं ये कह देता हूं माइनस, यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 3 -a/-1 ठीक है, यहां पे मेरा ये आ गया m1, और m2 मेरा यहां से कितना आ जाएगा, m2 मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा, x का कोफिशियंट 1, y का कोफिशियंट 6, तो माइनस माइनस कट जाएंगे 1/6, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3 -a/(1y)6 बराबर -1 है, और यहां पे भी मेरे पास माइनस है तो माइनस से मेरा माइनस चला गया, तो 3 -a = मेरे पास 6 आ जाएगा, और a बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, -3 मेरा आंसर हो जाएगा, a = -3 बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, a = -3 आपका आंसर होगा, यहां से स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो,
दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और माइनस वन के बराबर कर दो, इतना सा काम आपको करना है बस। तो माइनस थ्री आपका आंसर आ गया। गॉट इट गाइज, क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं, यस सर क्लियर है, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ जो आपके लिए जरूरी है, ध्यान से देखना और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से देखना। है ना, अब मान के चलिए दो रेखाएं आपके पास, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 और दूसरी रेखा है a2x plus b2y प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। भाई दो रेखाएं हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, ये क्या है आपके सामने, दो लाइन है, दो लाइन है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है आपसे, सॉल्व करके नहीं बताया, अंग्रेज सिंह पूछ रहे हैं सर ये हुआ कैसे। अंग्रेज मैंने सॉल्व करके बताया है ना आपको, बस जब भी परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाए तो m1 m2 बराबर -1 करना है। आपको दो पॉइंट दे रखे थे, आपको पता है इन दोनों की दो पॉइंट से मैं प्रवणता निकाल सकता हूं ना, ठीक है। तो मुझे इतना पता है इन दोनों की जो प्रवणता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होना चाहिए, तो यहां से मैं इससे प्रवणता निकालूंगा, दूसरी वाली लाइन की प्रवणता निकालूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, -1 के बराबर कर दूंगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ सब क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन सब्र करोगे तब सीखने को मिलेगा कुछ, ठीक है ना गाइस। चलिए अब आपके सामने ये दो इक्वेशन है, ठीक है। तो पहली कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है अद्वितीय हल के बाद, दूसरी कंडीशन क्या होती है आपके सामने, पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। जब लाइंस आर पैरेलल हो, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो इसके बाद कौन सी कंडीशन आती है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब कौन सी कंडीशन बनती है देखना, जब लाइन समांतर हो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका आता है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, हाँ यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जब ये यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, जब इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी आपस में लाइन, ठीक है। जब आपस में लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो मतलब इन दोनों को सॉल्व कर लो, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। लाइन जब पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब रेखाएं जब समांतर होंगी तो हमें क्या करना है, नो सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। हाँ अब तीसरा कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन ये होती है, जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, वाई हाई और यू, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और बताओ क्या हाल चाल है सबके, अच्छा लग रहा है लाइव। हाँ नया कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार ये, कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आप टेंशन मत लो कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप क्या करा रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको दो लाइन गिवन होंगी। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके सामने दो रेखाएं दी गई हैं, अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन हो तो इसका मान क्या होगा, देखता हूं अभी क्वेश्चन देता हूं, सब ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने पूछने वाला है, और सुबह 11 बजे से आपकी क्लास होती है, बिल्कुल सही है, सब अपने आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो अब मैं बोलता हूं कोइंसिडेंट करें आपस में, ठीक है, कोई संपाति लाइन, मतलब एक के ऊपर एक संपाति रेखाएं हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तीनों कंडीशन लिख लो, तीनों कंडीशन लिख लो सर, होम, सर होम दीजिए दो क्वेश्चन, बिल्कुल देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन मत लो बिल्कुल ही, है ना। चीजें समझो कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपके इंटरसेक्शन वाली कंडीशन आती है जिसमें आपके हल निकल जाते हैं, कोई भी पॉइंट्स निकल जाते हैं, सारी चीजें मैं, हार्ड कुछ नहीं है यार, हार्ड समझोगे ना तो कर ही नहीं पाओगे, ये चीजें बहुत आसान है, पहले समझो तो सही, मैं आपको हर चीज का प्रूफ बताने वाला हूं,
देखो पहले प्रूफ समझो इनका, प्रूफ क्या होता है, ठीक है। एक शायरी भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। देखो अगर यूनिक सॉल्यूशन हो, अद्वितीय हल हो, कि किसी ने बोले किसी भी रेखा का यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं पता है, रेखाएं आपस में कट रही हैं और जो ये पॉइंट होगा वही आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर रेखाएं पैरेलल होंगी, रेखाएं पैरेलल होंगी तो मतलब ऐसे जा रही हैं दोनों लाइनें। अब ये दोनों लाइनें जब मिलेंगी ही नहीं कभी, हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, तो इसलिए नो सॉल्यूशन होगा। अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, कोइंसिडेंट करें, आपस में चुपकी रहें, तो उनके कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हजार बार लाख बार करोड़ बार एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी तो हर पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और इसलिए इनके बहुत सारे हल हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी चीजें क्लियर हो गई है ना। अब मेरी बात सुनते रहो कि फॉर्मूला नहीं बता रहे, बता रहे फॉर्मूला थोड़ी होता है, वो चीजें समझो पहले, इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या रूल है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू होता है। लिख लो इसको फटाफट, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू होता है। ए वन ए टू क्या है, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस रेखा के अद्वितीय हल होंगे, उस रेखा के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है गाइस, ये कंडीशन समझ में आई, ये कंडीशन समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं सेकंड कंडीशन की बात, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू होना चाहिए। तो इसका मतलब है रेखाएं आपस में समांतर हैं। जल्दी से नोट कर लो, अगर रेखाएं समांतर होंगी तो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का रेशियो बराबर होना चाहिए और सी वन और सी टू का रेशियो अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया, देते रहें, लॉगरिथमिक नहीं आएगा, अभी तक लॉगरिथमिक का कुछ नहीं है। हाँ चलिए, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो बहुत आसान है, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू होता है, ये आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है। तो चीजें क्लियर हो गई, ये कंडीशंस लिख लो, पहले पढ़ना है तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कंडीशंस लिख लो, क्वेश्चंस तो हम कल करेंगे, इसके जम के क्वेश्चन हम कब करेंगे, इनके क्वेश्चंस कल करेंगे। पहले से समझा रहा हूं इन चीजों को कि कैसे इनकी चीजों को समझना है। अगर तीन इक्वेशन होना, तीन एक भाई शॉर्टकट ट्रिक योगेंद्र, शॉर्टकट क्या होता है इसमें, सोच के तो बोला करो यार, ये चीजें इतनी शॉर्टकट हैं कि इसमें और कुछ शॉर्टकट लग ही नहीं सकता। और इसमें लेंथी क्या हो गया, दो लाइन लिखी हैं, इनकी तीन कंडीशंस बताई हैं और तीन कंडीशन इस तरीके से हैं, इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता गाइस, है ना। जी हाँ, समझना नहीं है, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा। क्लियर, क्या मतलब, समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई सॉल्यूशन ना हो तो क्या वैल्यू होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे संतुष्टि हो जाएगी आप सबको, इसको नोट कर लो सब लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, ये बात सही है ना, तो सब यस लिख के भेज दो एक बार, ये क्वेश्चन होगा, फिर हम कल इसी के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, कल इसी पार्ट के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ट्राइंगल भी हमें पढ़ना है। हाँ चलो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है 3x plus 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है के एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 22, है ना। अगर रेखाएं कोइंसिडेंट हों आपस में, मतलब संपाती हों, तो k का वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, बताओ, ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा से, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। जो लोग, एक बच्चा कह रहा है सर ये सब टेंथ में पढ़ चुके हैं, हाँ टेंथ में आ चुका है, परसेंटेज भी टेंथ में था, प्रॉफिट लॉस भी टेंथ में था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी टेंथ में था, सब टेंथ में था, लेकिन आप पढ़ रहे हैं ना कंपटीशन के लिए, ये ही तो चीज होती है। पता है आपको एक कलेक्टर क्या पढ़ता है, IAS कौन सी बुक पढ़ता है पता है ना आपको, वो पढ़ता है छठी से लेके बारहवीं तक की NCERT पढ़ता है, वो एक IAS जो बनता है वो, उसको भी पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें, तो आपको याद होंगी तभी तो आप कर पाएंगे, तो आंसर आए ना सबके अब, है ना। तो कैसे निकाला सब लोगों ने, 3 अपॉन के बराबर
2 अपॉन 4 बराबर 11 अपॉन 22। अब कैसे भी निकाल लो तो मैं तो सिर्फ इन दोनों को बराबर करता हूँ, तो 3 अपॉन k बराबर 1/2, तो k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब कुछ हार्ड था इसमें, कुछ हार्ड था क्या? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझोगे तभी तो करोगे दोस्तों, क्लियर है? तो चलिएगा बताइए क्लास कैसी रही, है ना? तीन इक्वेशन वाली बताएंगे, है ना? इंजीनियर मनीष कह रहे हैं सर तीन इक्वेशन वाले में कंडीशंस अलग हो जाती हैं। तीन इक्वेशन वाले में पता है कौन कौन सी कंडीशन आती है? जब रेखाएं संगामी हो, मतलब एक पॉइंट से गुजर रही हो, तो कौन सी कंडीशन? तो कल पढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगी, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, भरोसा रखो इस चीज का। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको पता है जो 9 तारीख को सुबह 9 बजे आपके सामने एक स्टोरी आने वाली है, मैं उड़ना चाहती हूँ, उसको अपने फैमिली के साथ सब लोग देखना। वो कहाँ पर आएगी? वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर 9 बजे 9 जून को। तो बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे से स्टोरी है, और मतलब हार्ट टचिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करते रहे, है ना? बहुत मजा आने वाला है। ओके गाइज, तो फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और होप यू विल अंडरस्टैंड एंड होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर। ए छोरी, कट जा रही है। मत बांधो तुम मुझे, मैं कुछ करना चाहती हूँ, इस जमीन से आसमां को मैं अब छूना चाहती हूँ, मैं उड़ना